अपने एशिया सिंगिंग सुपरस्टार में उस मकाम पे आ चुके हैं जहां हर एक सिंगर एक से बढ़कर एक है, यानी कंपटीशन का लेवल अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। लेवल 3 में अब तक 3 एलिमिनेशंस हो चुके हैं और हम ढूंढ रहे हैं हमारे टॉप 5 फाइनलिस्ट और फिर उनमें से एक बनेगा एशिया सिंगिंग सुपरस्टार। शंकर जी, शफकत जी, अब और मुश्किलात बढ़ती जा रही है आपकी। आज फिर एक एलिमिनेशन होगा। हर एपिसोड में डायनामिक्स बदलती जा रही है। आपने देखा कि लास्ट टाइम एक एक बच्चा कैसा परफॉर्म किया और इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर परफॉर्मेंसेस। एलिमिनेशन वी विल सी क्या होता है। जबरदस्त शफकत जी, असल में हमसे ज्यादा जो है ना, मेरे ख्याल जल्दी इन लोगों को है, क्योंकि ये जितनी इनकी टेंशन बढ़ती रहेगी उतना इनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। उस चक्कर में अगर इनका गाना सफ़र कर गया ना तो वो बहुत ज्यादती होगी किसी के साथ, क्योंकि ये सारे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं जी। आज होना है लेवल 3 का चौथा एलिमिनेशन। ये मुकाबला है सुरों का और इसमें जीत उसी की होगी जो सुर का तो पक्का होगा ही, साथ ही साथ एक ऐसा परफॉर्मर होगा जो अपनी 3 मिनट की परफॉर्मेंस में यहाँ वो कर दिखाए जो किसी ने ना कर दिखाया। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारी पहली परफॉर्मर का इस शो पे एक ट्रेंड रहा है, ये थीम राउंड में थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और फिर एलिमिनेशन एपिसोड में शेरनी बन जाती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शंकर की शौर्य मिदत हिदायत फ्रॉम पाकिस्तान। मिदत, ये जो गाना आपने चुना है आज, इट्स अ लेजेंडरी सॉन्ग संग बाय लता जी, और ये गाने का प्री रिक्विजिट ये है कि जब तक ये गाना परफेक्टली नहीं गाओ ना तो उसका सुनने में मज़ा नहीं आता है। तो तुमने बहुत बड़ा रिस्क उठाया आज, लेकिन नर्वस मत होना, पहले एक स्माइल कर दो। वाह वाह, क्या बात है, कॉन्सेंट्रेट करके गाना, क्योंकि क्या हो जाता है कि बीच बीच में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कहीं खिसक जाता है थोड़ा सा। बी फोकस्ड, अच्छा से गाना, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट विद दैट। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव जीवन जो तुझा करे है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
थैंक यू मिथत। हमारे मेंटर से पूछते हैं कैसा लगा उन्हें। एक तो यू चोज अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, बी आपने इसका स्केल और इसका पिच वो रख लिया जिसको आप टच नहीं कर पा रहे थे, उसकी क्या वजह थी मैं जानना चाहूँगा। मैं चेंज करवाना चाह रही थी अभी, लेकिन भी लेकिन क्या टिक 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 बोले जा रहे सारे। नहीं टेक जब आपने रिहर्स किया था तो इसी स्केल पे किया था। नहीं मैंने बोला भी था बाद में मुझे स्केल का कम करवाना है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कहें कि आपको स्केल कम करना है तो कोई स्केल कम ना करे, इसकी कोई रीजन समझ में नहीं आती मुझे। यू चोज दिस स्केल मेदत, आपने सब जब रिहर्स करी थी तो हुआ था, तो मैं अभी मैंने मतलब कहा था कि स्केल का ये थोड़ा लेट है, तो ये आपको रिहर्सल के वक्त डिसाइड करना चाहिए था। सर इतना रिहर्सल का टाइम मिला नहीं एक्चुअली, अभी तो बोला था। मिदत, आपको भी पता हमें भी पता है दिस वाज नॉट योर बेस्ट परफॉर्मेंस। शंकर जी हमारे दोनों की तरफ से शफकत ने कह दिया है, कोशिश अच्छी थी। प्रॉब्लम था बाकी तो सी अभी क्या, अभी बोल के कोई फायदा नहीं, जो हुआ सो हुआ। The cat has spilled the milk. अभी छोड़ो, होना था वो हो गया। Whatever it is, all the very best. देखते हैं क्या होता है, okay? It's okay. Scores की तरफ बढ़ते हैं mentors. मिद्धत को मिले 7 points. अच्छा मिद्धत, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। I'm not, ठीक है ना, सोच में पड़ गई हैं आप। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। अगर आप चाहती हैं तो हम शो को आगे लेके चलें जरा। अगर बिल्कुल ले जाएं। ठीक है जी, आज क्योंकि एलिमिनेशन का दिन है और हमें नहीं पता कि आज यहाँ से कौन छोड़ के जाने वाला है, इसलिए आज हमारे कंटेस्टेंट्स उनको अपने मौका दिया है कि वो अपने दिल की बात करें, उनके दिल में जो भी जज्बात है उनका इजहार करें। जरिया बनेगा टेलीफोन, ये पकड़े फोन। हेलो सलमान सर। अरे ओह सर कैसे हैं आप? आपसे गिला है कि आप पाकिस्तान मुन्नी को छोड़ने तो आ गए लेकिन हमसे नहीं मिले आप। ओए होए कोई बात नहीं, मिल नहीं सके कि बात तो हो गई जी। सर प्लीज़ आप मिलिए मुझसे, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इवन प्रपोज़ल लेके आई हूँ शादी के लिए, अगर आपको कोई नहीं मिली तो मैं हूँ यहाँ पे। डायरेक्ट प्रपोजल पे आ गई हो? अभी क्या डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, बीच में बोले आ रहे हैं। सॉरी सॉरी सर, खराब कर रहे हैं। बोले बोले सर, आप प्लीज मिले मुझसे और आप बहुत खुश होंगे मुझसे मिलके जब आप आवाज सुनेंगे मेरी। बेटा मैं शूट पे हूँ। बेटा सर, बेटा बोल के दिल तोड़ दिया। ठीक है सर, ओके बाय बाय, अल्लाह। क्या बात है जी। हाँ वो कह रहे हैं ऐसे खुदा हाफिज़ नहीं, दो लाइनें हाँ गुनगुनाएंगी। जी जी बिल्कुल, ये सुना दो सुना दो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको फिर आपके नसीब में ये बात
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात जरूर होगी. क्यों ना हो ना क्यों. मिधत जी, I really wish कि सलमान यहाँ पे कहीं बैठे होते तो आप एलिमिनेशन राउंड में इस तरह गाती. सर आपने जो है ना मेरी मुंह की बात छीनी कि सारे गाने मिधत को फोन पे सुनाने चाहिए थे. मिधत बहुत थैंक यू मिधत, थैंक यू वेरी मच.